हेलो फ्रेंड्स, हर हर गंगे। आज मैं आ चुकी हूँ हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। हम यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा गंगा मैया का। ये बीच में लोग तैर भी रहे हैं। जिनको प्रॉपर तैरना आता है वो तैर रहे हैं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो हम ये देखिए हर की पौड़ी पर जा रहे हैं। वहाँ पर नहाने का महत्व ज़्यादा बताते हैं, भी वहाँ पे नहाना चाहिए हर की पौड़ी पे। तो हमने जूते चप्पल वहीं पे उतार दिए और हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। ये नज़ारा देखते ही ना मन प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए शिवानी और उसके पापा नहा रहे हैं। शिवानी को डर लगता है, इसलिए शिवानी अपना करे। हम सभी नहा के अब हम जाएंगे। मैं थोड़ा सा अपने साथ आटा लेके आई थी फ्रेंड्स, वो मछलियों को डालने के लिए। तो मछलियों को आटा डालेंगे हम पहले थोड़ा सा। तो ये देखिए हम पुल, ऊपर पुल बना वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं, बीच में मना करे थे डालने के लिए, पुल के ऊपर से डालना कहते हैं। वहाँ पे मछली हैं तो वहाँ जाओ, वो सामने पुल है, वहाँ तक हमको चल के जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन, अमावस्या का दिन था। क्योंकि उस दिन ये देखिए पानी बहुत ही ठंडा, बहुत ही मज़ा, धूप भी थी ऊपर, पानी भी था ठंडा पानी ऊपर गर्म धूप, तो बीमार होने के फुल ऑन चांस है वहाँ पे। तो श्रद्धालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा थे वहाँ पर। हम आप पहुँचे वहाँ पर। ये देखिए ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको गंगा मैया का पूरा नज़ारा। देखिए पानी का बहाव भी तेज था फ्रेंड्स। आप भी जब जाओ, हम तो संगली पकड़ के नहाए थे वहाँ पे बना था। ये हमने ऊपर से खड़े होकर आटा काफ़ी लेके आए थे, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके भी था जो सभी का सभी बीच में डाल दिया मैंने और बेटी ने। देखिए फ्रेंड बीच में जो से ये जा रहे हैं, नारियल लोग करते हैं वहाँ पे, नारियल पकड़ने वाले भी थे। जैसे कि ये हमारे साथ ही एक बच्चा खड़ा हुआ था जो नारियल आता था, तो कई तो वहाँ से तैर के वहाँ से निकाल रहे थे, कई ऊपर से खड़े होके ना फ्रेंड्स, नीचे उन्होंने टोकरी बांधी थी उसके बीच में डाल रहे थे। अभी देखना अभी आएगा एक लड़का। ये हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है हमने सारा का सारा डाल दिया, बट पन्नी नहीं डाली है। ये देखिए लोग अपनी पाठ पूजा करवा रहे हैं, जो जो जिसने करवाना था। ये नज़ारा देखते ही बनता है फ्रेंड्स वहाँ पर, जो ये नज़ारा और कहीं नहीं है। कहते यहीं पे मछलियाँ होती हैं और नहीं कहीं पे। ये देखिए नारियल आ रहा है, इस नारियल को ये बच्चा पकड़ेगा। ये देखिए इसने रस्सी लटका दी है, इसके अंदर डाल लिया वहाँ आगे, इसके अंदर उनको प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स। ये देखिए ये आ गया नारियल ऊपर खींच के, पता नहीं बाद में क्या करते हैं, शायद बेचते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं ये भगवान जाने। तो वो कहता आंटी मत बनाओ मेरी वीडियो, क्योंकि मन है। उसके बाद हम चले गए गऊ, जहाँ पे गऊशाला, वहाँ पे गऊएँ थी। ये देखिए उनको चारा डाला हमने, वहीं पे बना हुआ था। तो हमने गौ माता को चारा डाल के, तो हम फिर बाद में हमने कुछ बाद में खाया वहाँ पर। पंडित जी के मशहूर थे छोले भटूरे, आलू पूरी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी थी फ्रेंड्स। साथ ही में ये गौशाला के साथ ही है, पंडित जी का है। स्नान अब खाना खाने के बाद हम चले गए मंदिर में, जो कि दक्ष मंदिर है, जहाँ माता सती हुई थी। ऑटो से गए थे फ्रेंड्स वहाँ पे, 30 रुपीज़ से एक बंदे का लेते हैं वहाँ पर एक लोग का। ये पहुँचे हम दक्ष मंदिर। ये देखिए शिव बाबा जी, शिव भगवान माता सती को लेकर खड़े हैं, जो जब वो हवन कुंड में जब चली गई थी वो माता। मेरे की प्राचीन मंदिर अंदर फ़ोटो खींचना मना कर रहे थे, जो सा मुख्य मंदिर है, ये वाला मुख्य मंदिर है। यहाँ पर वो यहाँ पे यज्ञ हुआ था, वो जगह बनी हुई है, तो वहाँ पर सती माता सती हुई थी वहाँ पर। ये देखिए हम आ गए कंकल,
साथ ही कंकल, जिस चीज़ को कंकल भी बोलते हैं, यहाँ पर पहले अस्थियाँ विसर्जन करते थे पर अब नहीं करते। अभी लोग यहाँ भी नहा रहे थे। यहाँ का नज़ारा ही बहुत अच्छा था फ्रेंड, बहुत ठंडा पानी, ठंडी छाया, जो कि बहुत ही बड़ा पीपल का त्रिवेणी लगी हुई है वहाँ पर, त्रिवेणी है वहाँ पर, तो बहुत ही ठंडी हवा थी फ्रेंड्स वहाँ पर। फ्रेंड्स वहाँ पे पूजा करके देखिए, फ्लावर्स ऐसे, फूल ऐसे पड़े रहते हैं। साधु संत भी थे वहाँ पर, बहुत लोग अपनी, अभी इनका पानी, कंकल में पानी इतना गहरा नहीं था, लोग बीच में इधर से उधर आराम से चले जा रहे थे। और ये देखिए अंदर दूसरा मंदिर है, जहाँ पे फोटो में खींच रही थी, वीडियो बना सक रही थी। ये देखिए माता की, माता की सारी प्रतिमा, काली माता, ये सारी माताएं हैं, भगवती माता, ये देखिए माँ काली, माँ काली जब शिव क्रोधित हो गई तो शिव बाबा ने उनको शांत करवाया था, तब वो वहाँ की तस्वीर है ये देखिए। वहाँ पर गणपति जी, हनुमान जी और भैरव बाबा की बहुत बड़ी बड़ी, ये देखिए भैरव बाबा है, बहुत अच्छी प्रतिमा थी वहाँ पर उनकी, गणपति जी की, हनुमान जी की, बहुत ही सुंदर थी। देख के मन प्रसन्न हो गया भगवान के दर्शन करके। ये देखिए काल भैरव, ये काल भैरव जी, पहले मुझे देख के ऐसे लगा शिव बाबा जी हैं, पर बाद में मैंने वहाँ पर पढ़ा तो लिखा होता काल भैरव जी। देखिए तो इधर थे लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, विष्णु और लक्ष्मी जी, तो लोग काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर आते फ्रेंड्स आए हैं, तो सभी कह रहे सभी दर्शन करके जाएं। यहाँ पे माता सती हुई थी, तो ये तो बहुत ही मुख्य मंदिर है यहाँ पर। आप भी जब भी आओ हरिद्वार तो यहाँ पर कंकल में जरूर दर्शन करके जाना फ्रेंड। आज भी वहाँ पे वो हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर माता जी सती हुई थी। ये शिव भगवान जी की प्रतिमा थी, ये वो त्रिवेणी फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी है, ये देखिए विशाल है, बहुत विशाल है, काफ़ी दूर दूर तक फैल रखा है ये वृक्ष। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, अच्छे बुरे जो भी आपको अच्छे लगे वैसे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ्रेंड वो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करके हम अपने स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े हैं फ्रेंड्स। देखते हैं रास्ते में कुछ खाएंगे, क्योंकि हम बाय ट्रेन आए थे तो हमारी ट्रेन का टाइम 5:30 बजे के करीब था, तो हम वहाँ से चले गए ऑटो में, ऑटो पकड़ा रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स थकावट काफ़ी हो गई थी, आपको चेहरे से पता चल ही रहा होगा, काफ़ी थकावट हो गई थी हमें, पर आनंद बहुत आया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में स्नान करके। ये देखिए रास्ते में एक भगवान जी की मूर्ति, अमरापुर घाट था ये घाट, बहुत बने हुए फ्रेंड्स वहाँ पर।